So, hello dear students, this is lecture number 2. I am Nishin Gupta from Civil Department और आज हम B8 semester और B6 semester दोनों common semester के लिए एक numerical लेकर के आए हैं, ठीक है। Generally B8 semester में ये exam में आ चुके क्वेश्चन और B6 semester के लिए भी important है, ठीक है। तो आज हम एक नया problem solve करने जा रहे हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन का सब दिया हुआ है, ठीक है, और बोला हुआ है कोई कैलकुलेट करके बोला हमको कोलैप्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात हमको ये देखना होता है कि हमारा प्लास्टिक की फॉर्मेशन कहाँ कहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, इसमें दो केस बनते हैं, पहला केस क्या होता है, इस कोलैप्स लोड के कारण, इस लोड के कारण, ठीक है, पहला फॉर्मेशन कहाँ भी हो रहा है प्लास्टिक हिंज का, इस पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरा केस जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, इस लोड के कारण जो प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम दोनों केस को अलग अलग पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्रॉस सेक्शन चेंज करना है, ठीक है, और हमको यहाँ पे एमपी कितना लेना है ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बी से सी के लिए भी अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को एमपी लेना है, प्लास्टिक यूनिट की वैल्यू एमपी लेना है, और बी से ए लेन पे मेरे को प्लास्टिक यूनिट की वैल्यू कितनी लेनी है, 1.5, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सर, पहला केस हम लोग लेते हैं ए। केस वन क्या बोलता है कि जो प्लास्टिक की फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, एंट्री पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन चेंज, एंट्री पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन चेंज, ठीक, एट द पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन चेंज। तो देखो, मैं उसको डिफेक्टिव डायग्राम बना, तो ये जो 2W है मेरा किसने कंसीडर कन्वर्ट हो गया कोलैप्स पर, तो मैं साइड 2W से, ठीक, यहां से अपना लेंथ का पता है कितना होता है, L/2 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और ये वाला लिंक जो कैसे ऑपरेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। कितने एंगल से, प्लास्टिक हिंज, ठीक है, और हमको इसी एमपी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, इंटरनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और एक्सटर्नल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इंटरनल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरनल वॉल्यूम इक्वल टू आते हैं मैट्रिक्स, इंटरनली वॉल्यूम कौन सा है, मोमेंट इनटू रोटेशन, तो मोमेंट इनटू रोटेशन, ठीक। तो देखो, यहाँ पे एमपी फ्री कितनी है, ये स्लिप के लिए अगर बात करें तो वो क्या लेना पड़ेगा, एमपी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एमपी इंटू थीटा, ठीक है। अब देखो, थीटा का सिग्नल डेल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को डेल के टर्म में सारी चीजों को लिखना पड़ेगा या फिर थीटा के टर्म्स, तो मैं काम करता हूँ डेल की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो देखो, डेल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ थीटा इंटू L by 2, अब मैंने क्या निकाला था, एक्सटर्नल लोड का, एक्सटर्नल लोड का क्या होता है, लोड इनटू डिफ्लेक्शन, दैट इज 2WC इनटू डेल, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हो गया 2WC इनटू थीटा इनटू L by 2, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्टन, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्टन, तो अप्लाई करो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्टन, तो अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्टन, IWD इज इक्वल टू PWD, इंटरनल वर्टन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्टन, तो इंटरनल वर्टन क्या होता है, एमपी इनटू थीटा, और एक्सटर्नल वर्टन क्या होता है, 2WC इनटू थीटा इनटू L by 2, तो थीटा को मैं इसमें कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे को यहां से एमपी की वैल्यू निकली है कितनी आ गई है, 2WC इनटू L डिवाइडेड बाय 2, दैट इज टू कैंसिल आउट, तो एमपी मेरा आया कितना है, WC इनटू L, ठीक। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। अब देखो, ये तो ना पहला केस आता है, अब देखो दूसरा केस आपका क्या बनता है, यहाँ पे देखते हैं। देखो दूसरा केस क्या बन जाता है, हमको ये पता है प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म होता है, एक और आपका जहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है और दूसरा फिक्स है। अब जो दूसरा केस बनता है मेरा क्या फॉर्म है, प्लास्टिक हिंज फॉर्म एट द पॉइंट कहाँ पे,
याद रखिए कहां कहां पर प्लास्टिक फॉर्म होता है, एक तो होता है आपका अंडर द लोड अगर सिंपल सपोर्ट का केस है तो, या फिर दूसरा कहां हो सकता है आपका अगर कैंटिलीवर बीम और ऐसे एक साइड के जो फिक्स एंड होगा और दूसरा कहीं पे भी आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो वहां पे, ठीक है। जनरली इन जगहों पे आपका प्लास्टिक की फॉर्मेशन होता है और हमको ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता होगा तो आप मोबाइल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सर कि आपका प्लास्टिक किस कहां कहां पे फॉर्म होता है। अब देखो केस टू क्या करो, प्लास्टिक इन फॉर्म एट सपोर्ट फिक्स सपोर्ट, इसका डायग्राम बनाओ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। प्लास्टिक किस कहां पे फॉर्म हो रहा है, यहां पे कितना होगा इसकी वैल्यू हमको दी हुई क्वेश्चन में 1.5 एमबी कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। और ये कैसे डिफाइन करो, कुछ ऐसे डिफाइन करो, ठीक है, अंडर जीरो दैट इज एल, ठीक है। और यहां से यहां तक लेंथ कितना पता है आपको, एल एल बाय 2 प्लस एल बाय 2 क्या होगा एल, और कितना डिग्री से रोटेट कर रहा है, थीटा डिग्री से रोटेट कर रहा है। यहां पे डेल की वैल्यू निकालो तो डेल कितना आ रहा है आपका एल इनटू थीटा, ठीक हो गया। अब क्या करना है हमको, सेम ही काम करना है, इंटरनल वर्टर इक्वल टू एक्सटर्नल वर्टर बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्टर। लेकिन उससे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इंटरनल वर्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक्सटर्नल वर्टर कैलकुलेट करने पड़ेगा। फॉर दिस तो देखो कैलकुलेट कर, तो इंटरनल वर्टर पहले मैं कैलकुलेट कर दूं, इंटरनल वर्टर होगा, इंटरनल वर्टर हो जाएगा 1.5 टाइम इनटू थीटा मतलब मोमेंट इनटू रोटेशन, दैट इज 1.5 एम बी इनटू थीटा, ठीक है। इसका क्वेश्चन वन में आता है क्या निकाल रहा है एक्सटर्नल वर्टर, क्या हो जाता है हमको पता है क्या होता है, लोड इनटू डिफ्लेक्शन, लोड इनटू डिफ्लेक्शन, ठीक। तो देखो कितना टू डब्ल्यू सी इंटू डेल, और डेल की वैल्यू मैंने कितनी निकाली यहाँ पे एल इंटू थीटा, तो पुट करो यहाँ पे एल इंटू थीटा, ठीक। अब क्या करना है इसको इक्वेशन नंबर टू देता हूँ, अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो बाय द हेल्प ऑफ या फिर अप्लाई करो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्टर, ठीक है। अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आई डब्ल्यू डी इज इक्वल टू ई डब्ल्यू डी, ठीक है। तो देखो मैं लिख सकता हूँ 1.5 टाइम्स एम पी इनटू थीटा इज इक्वल टू 2 डब्ल्यू सी इनटू एल इनटू थीटा, ये थीटा के टाइम्स क्या होगा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एम पी की वैल्यू कितनी है 2 डब्ल्यू सी इनटू एल डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में एम पी की वैल्यू क्या होगी हमको ये देखिए जानना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इन दोनों में जो भी सबसे कम वैल्यू होगी, ठीक है, दोनों केस में जो भी सबसे कम वाली वैल्यू होगी वो होगी मेरी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन